ये है सिकी, बात बात में तकिया कलाम, फिर चाहे बात आम से करें अथवा खास से। रामविलास का यह तखल्लुस जनमानस की यादों में हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि खिलखिलाते हुए ये है सिकी कहने वाले रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे रामविलास की वे सभाएं भी, जहां बहुत ही विश्वास के साथ वह प्रत्याशियों को जनता के बीच जीत की माला पहना दिया करते थे, और संयोग भी ऐसा कि वह प्रत्याशी जीत भी जाता था, जिन्हें आगे चलकर राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा गया। राजनीतिक पूर्वानुमान की यह क्षमता जैसे उनमें बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। वह दौर 1989 का था, जब बिहार में राजनीति करवटें ले रही थी। 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव था। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव सरीखे नेता एक मंच पर दिखाई देते थे। इसी साल की चुनावी सभाओं में रामविलास ने सोशल इंजीनियरिंग की एक अलग ही परिभाषा गढ़ी। यह जातिगत व्यवस्था पर बड़ी चोट थी। मंच से उनका सवाल और तालियां पीटकर उनका समर्थन करता वह तबका, जिसे उनमें बदलाव लाने वाले एक महानायक की छवि दिखाई देती थी। उनकी सियासत का यह अंदाज सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन का एक बड़ा संदेश था। उन्होंने बड़े करीने से सामाजिक रिश्तों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया। इसे तब भरपूर समर्थन मिला था। मंच पर आते, भाषण देते और फिर पूछते कि इन सबको जीत की माला पहना देना, भीड़ से शोर उठता हाँ, और सभी के गले में माला डालकर विजय की घोषणा भी तत्काल कर दी जाती थी, और परिणाम भी इससे इतर नहीं होता था। वक्त के साथ साथ राजनीति भी बदलती रही, व्यवस्था के साथ लोगों की मानसिकता भी, और इस बदलाव के साथ रामविलास पासवान की सियासत भी नए नए मोड़ से गुजरती रही, जिस हाजीपुर ने उन्हें सिराखों पर बिठाया, आगे चलकर उन्हें वहां से पराजित भी होना पड़ा। लेकिन अगली ही बार यहाँ की जनता ने उनमें फिर से अपना अपार विश्वास जताया। सामाजिक बदलाव के वाहक बने रामविलास अब आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मार्ग तलाश रहे थे, जो आज के प्रतियोगी दौर में उन्हें और आगे ले जा सके। केंद्र में दूरसंचार मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने इस सपने को अमली जामा भी पहनाया। जहां हाजीपुर को कई सौगात दी, वहीं रेल मंत्री के रूप में बिहार को भी कई तोहफे दिए। रामविलास की एक खासियत यह भी थी कि चाहे व्यक्ति कितना ही सामान्य क्यों न हो, रामविलास पासवान को वह नाम और चेहरा हमेशा याद रहता था जो एक बार उनसे मिलता था। नजर पड़ते ही नाम के साथ उसे पुकारना, किसी ने कागज पर लिखकर कुछ भी थमा दिया तो उसे तुरंत अपनी पॉकेट में रख लेना, और वह काम हो जाया करता था। और इसीलिए शायद लोग भरोसा करते थे कि अगर रामविलास ने कागज ले लिया तो उनकी समस्या भी दूर हो ही जाएगी। देश की राजनीति में भी हमेशा केंद्र में रहे बिहार का यह ध्रुव तारा अब यादों में ही चमकता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।